ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 जनवरी गुरुवार के राशि फल के बारे में कि यह दिन कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, किन किन चीजों से इनको फायदा होगा, किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बना सकें। दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नई नई वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए गुरुवार का दिन। सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों, आज प्रकृति आपका भरपूर साथ दे रही है, कोई लाभदायक और महत्वपूर्ण समाचार मिलने से आप स्वयं को आत्मबल और भावनात्मक रूप से बहुत अधिक सशक्त महसूस करेंगे। रुके हुए काम को पूरा करने के लिए आप पूरी मेहनत लगा दो। आज का दिन आपके लिए बहुत ही लाभदायक दिन साबित होने वाला है। आज कोई महत्वपूर्ण समाचार आपको अवश्य मिलेगा, आर्थिक समस्याएं हल होंगी, रुके हुए किसी जमीन जायदाद संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलने के आज योग बन रहे हैं, किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने से मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। आज सुख सुविधाओं जैसी चीजों को खरीदारी में समय व्यतीत होगा, अपनी प्रतिभा और क्षमताओं को समझें, इससे आपके व्यक्तित्व में और अधिक निखार आ जाएगा तथा समाज में आपकी छवि भी निखरेगी। आज का दिन व्यस्तता पूर्ण रहेगा, काम का बहुत अधिक बोझ रहेगा, परंतु सफलता मिलने से थकान हावी नहीं होगी और उत्साह आपका बना हुआ रहेगा। घर में मेहमानों के आगमन से मौज मस्ती में भी समय व्यतीत होगा, अपनी योजनाओं को सफल बनाने का आज का दिन बहुत ही उत्तम है। काफी लंबे समय से चली आ रही किसी परेशानी से आज आपको मुक्ति मिलेगी जिससे आप आज खुद को तनाव मुक्त महसूस करेंगे और आर्थिक मामलों में भी ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लाभदायक साबित होंगे। दोस्तों, समय की चाल आपके पक्ष में है, इसका आप आज भरपूर उपयोग करें। आपकी बेहतर कार्य प्रणाली की वजह से आप लोगों के समक्ष प्रशंसा का पात्र रहेंगे, परंतु कोई भी काम अथवा योजना की पहले रूपरेखा अवश्य बना लें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, अनेकों प्रकार की सफलताएं आज आपको अवश्य ही प्राप्त होने वाली हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों, अपने क्रोध व जल्दबाजी जैसे स्वभाव पर आप नियंत्रण रखें, किसी संबंधी या पड़ोसी के साथ वाद विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, बेहतर होगा कि अपने काम पर आप ध्यान दें, दूसरों की फिजूल बातों को नजरअंदाज करें, मन में कुछ अनहोनी होनी जैसी आशंका होने का आज भय रहेगा, अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें क्योंकि कभी कभी आपकी क्रोधपूर्ण वाणी दूसरों को आहत कर देती है, साथ ही संबंधों में भी कटुता आ सकती है। दोस्तों, आय के संसाधनों में कमी रहेगी परंतु खर्चे बरकरार रहेंगे, इसलिए अपने बजट के अनुसार ही खर्च करें, कुछ अस्वस्थता महसूस करेंगे लेकिन आपका कॉन्फिडेंस आपको एक्टिव बनाकर रखना होगा। दोस्तों, साथ ही साथ दूसरों की वजह से किसी प्रकार की धन हानि भी हो सकती है, चचेरे भाई बहनों से अपने संबंधों को खराब ना होने दें, इससे अकारण ही तनाव उत्पन्न हो सकता है, कुछ प्रतिद्वंदी जलन की भावना के कारण आपके लिए कुछ नकारात्मक वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं और किसी बात को लेकर कहा सुनी भी हो सकती है, परंतु जरा सी सावधानी आपको परेशानियों से मुक्त रखेगी। घर के बड़े बुजुर्गों की अवहेलना बिल्कुल ना करें, कभी कभी लापरवाही और आलस की वजह से आपके
बनते कार्यों में रुकावट आ सकती है। साथ ही अपने विचारों में भी लचीलापन रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। दोस्तों विवाहित जीवन में सामंजस्य रहेगा, मनोरंजन संबंधी कार्यों में समय व्यतीत होने से परिवार में हास परिहास व खुशी का माहौल रहेगा। पारिवारिक वातावरण आज सुखद बना हुआ रहेगा। प्रेम संबंधों में भी प्रगढ़ता आएगी, रोमांटिक माहौल रहेगा। निकट संबंधियों के यहाँ डिनर पर जाने का भी प्रोग्राम आप बना सकते हैं। काफी समय बाद घर से निकलना व लोगों से मिलना जुलना खुशी और स्फूर्ति प्रदान करेगा। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। घर के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करेंगे। बाहरी संबंधों से सावधान रहें, इनसे मान हानि होने की भी संभावना है। परिवार के व्यक्ति आपसे कुछ नाराजगी व्यक्त करेंगे, क्योंकि काम की व्यस्तता के कारण आप परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उनके लिए भी कुछ समय आप अवश्य निकालें। विवाहित संबंधों में कुछ समय से चल रहे तनाव को साथ बैठकर सुलझाने में सफलता मिलेगी और घर का वातावरण पुनः सुखद और मधुर हो जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपका व्यवसाय कैरियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों आज व्यवसाय में प्रोडक्शन संबंधित कार्यों में कमी आने से तनाव रह सकता है, परंतु आपकी पेमेंट आने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, इसलिए फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। किसी उच्च अधिकारी का सहयोग आपके कार्यों में मन मुताबिक सफलता प्रदान करेगा। साथ ही कोई बड़ा ऑर्डर भी मिलने की भी आज संभावना है। सरकारी सेवारत व्यक्तियों के ऊपर काम का अधिक बोझ आज पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में कोई भी निर्णय अकेले ना लें, बल्कि टीम वर्क बनाकर काम करें, इससे व्यवस्था उत्तम बनी रहेगी। आर्थिक मामलों पर किसी पर अधिक भरोसा ना करें और ना ही किसी प्रकार का समझौता करें। दोस्तों व्यवसाय क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत के अनुरूप बेहतर परिणाम हासिल होंगे। आज आपके भाग्य का आपको अधिक सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी पेशा व्यक्ति किसी सरकारी मामलों में फंस सकते हैं, सावधान रहें। व्यवसायिक परिस्थितियां आज अनुकूल बनी रहेंगी, अपना पूरा ध्यान बिजनेस पर केंद्रित करें। किसी बड़े अनुबंध के मिलने की आज संभावना है। व्यवसायिक गतिविधियों संबंधित योजनाएं किसी भी बाहरी व्यक्ति से आप शेयर ना करें, कोई इसका अनुचित उपयोग कर सकता है। और ऑर्डर संबंधित सभी कार्यों में पक्के बिल का आप उपयोग करें। दोस्तों नौकरी करने वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही लाभदायक दिन रहने वाला है। दोस्तों नौकरी से संबंधित आज आपको बहुत ही अच्छी खुशखबरी अवश्य प्राप्त होंगी, जिससे आपको काफी खुशी का अनुभव होगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दोस्तों गैस और एसिडिटी से आज परेशानी रहेगी, खान पान में संयम रखें, व्यवस्थित दिनचर्या रखने की आज आवश्यकता है। स्वास्थ्य मौसम के बदलाव की वजह से थकान अनुभव और कमजोरी महसूस होगी, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखें। जी हाँ दोस्तों, अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, व्यायाम करें, स्वस्थ रहें। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेष उपाय क्या है। दोस्तों आज आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं और साथ ही साथ केसर का तिलक सबसे पहले आप भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में लगाकर फिर उसके बाद अपने मस्तक पर लगाएं। या दोस्तों ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी बहुत जल्द प्रसन्न होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे। जो भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, समस्त परेशानियों का अंत करेंगे और आपको जल्द ही शुभ फलों की प्राप्ति होंगी और आपकी समस्त मनोकामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु जी अवश्य ही पूर्ण करेंगे। दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।